नोबिता हीरालाल जी से पूछता है, क्या आप मुझे ऐसे रिंग देंगे? हीरालाल जी पूछता है, तुम हो कौन भाई और तुम्हें ये रिंग क्यों चाहिए? मैं नोबिता और ये डोरेमोन। मुझे ये रिंग अपनी गर्लफ्रेंड को एंगेजमेंट पर देनी है, उसे सिम ऐसी ही रिंग चाहिए। ठीक है, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। बताओ कौन से महीने में 28 दिन आते हैं? नोबिता सोचने लगता है। उसे लगता है 28 दिन तो सिर्फ फरवरी में आते हैं, पर और ध्यान से सोचने के बाद वो समझ जाता है कि 28 दिन तो हर महीने में आते हैं, यानी कि जवाब है 12। ये जवाब तो तुमने सही दिया, पर ये रिंग मैं अकेले नहीं बना सकता। इसके लिए मुझे अपने कारीगर खान भाई की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं उसके पास नहीं जा सकता। तुम उसे मेरे पास ले आओ। नोबिता और डोरेमोन एड्रेस लेकर चले जाते हैं। जब वो लोग जा रहे होते हैं, तभी दो रास्तों में कंफ्यूज हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा रास्ता अहमदाबाद की तरफ जा रहा होता है। वो वहाँ पे खड़े दो लोग से पूछता है। वो लोग अंदर अंदर झगड़ रहे होते हैं। नोबिता और डोरेमोन उनसे पूछते हैं कि अहमदाबाद जाने का रास्ता कौन सा है। तभी उनमें से एक पूछता है कि पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। ये लड़का मेरी बहन की माँ के पति का बेटा है, तो उससे मेरा क्या रिश्ता है? अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखा दूंगा, नोबिता सोचता है। और वो बोलता है, ये तुम्हारा भाई है। वो उसे आगे का रास्ता बता देता है। डोरेमोन और नोबिता खान भाई के घर पहुंच जाते हैं। वहां पर बाहर एक बच्ची खेल रही होती है। वो उससे पूछते हैं, क्या ये खान भाई का घर है? तभी वो बच्ची अकड़ के कहती है, अरे यार डिस्टर्ब मत करो, ये लेवल है कि सॉल्व ही नहीं हो रहा और तुम लोग डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे डोरेमोन इसकी हेल्प कर दो ना, हमें पता चल जाएगा कि ये घर खान भाई का है या नहीं। डोरेमोन वो पजल देखता है, उसमें 10 बॉल ट्राइंगल शेप में रखे हुए है और उस पर लिखा है, मूव 3 बॉल्स एंड मेक अ रिवर्स ट्राइंगल, यानी कि 3 बॉल को हिला के उल्टा ट्रायंगल बनाना है। डोरेमोन सोचता है, क्या आप बता सकते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं? डोरेमोन 3 बॉल्स को मूव करके उल्टा ट्रायंगल बना देता है। क्या आप लोग उसे सॉल्व कर पाएंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। वो बच्ची बोलती है, अरे खान अंकल तो है ना अभी थोड़ी देर में ही आ जाएंगे, आप थोड़ा रुक जाइए। तभी खान भाई आ जाते हैं। नोबिता और डोरेमोन खान भाई को रिंग के बारे में बताते हैं और उन्हें हीरालाल जी की हेल्प करने को बोलते हैं। वो हीरालाल जी के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो तीनों कार में बैठ के वापस गाँव चले जाते हैं। वो तीनों हीरालाल जी के पास पहुंच जाते हैं। हीरालाल और खान भाई अंदर अंदर कुछ बातें कर रहे होते हैं और बाद में वो बताते हैं कि ये रिंग बनाने के लिए हमें प्लेटिनम और डायमंड ऐसी दो चीजें चाहिए जो यहाँ नहीं मिलती। प्लेटिनम और डायमंड को खोजने का नक्शा ये है, पर ये थोड़ा फट भी गया है और 4 हिस्सों में बट गया है। तुम्हें पहले ये जोड़ना पड़ेगा, अगर तुम जोड़ लोगे तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखा दूंगा। नोबिता और डोरेमोन उसे कैसे जोड़ेंगे? अगर आपको पता चल जाए तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। इसको जोड़ते हैं, पहले डी फिर बी सी और फिर ए। अब ये नक्शा पूरा हो गया। हीरालाल जी बताते हैं, पायरेट आइलैंड पर पहुंचने के लिए तुम्हें बोट से जाना होगा। उस आइलैंड पर पहुंचने के बाद आगे जाके तुम्हें जायंट राक्षस मिलेगा, तुम्हें उससे बचना होगा। अगर आगे जाके तुम्हें टेंपल मिले यानी कि तुम सही रास्ते पर हो। फिर आगे जाके तुम्हें वहाँ के लोकल सिटीजन्स मिलेंगे, तुम्हें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर तुम उनकी हेल्प करते हो तो तुम्हें वो प्लेटिनम का एक टुकड़ा देंगे। फिर तुम्हें उस गाँव से आगे जाना होगा, उसके बाद बहुत गहरा जंगल और पहाड़ियाँ उसको क्रॉस करने के बाद एक गुफा के अंदर तुम्हें एक खजाना मिल जाएगा, उसके अंदर डायमंड है। अगर तुम्हें प्लेटिनम और डायमंड दोनों मिल जाए तो हम तुम्हें रिंग बना के दे देंगे।
हीरालाल जी बोलते हैं, वो बहुत खतरनाक रास्ता है, क्या तुम उस पर जाओगे? नोबिता बोलता है, मैं अपनी सुजुका के लिए कुछ भी करूंगा। नोबिता और डोरेमोन फटाफट बीच पर पहुंच जाते हैं। बोट के साथ एक आदमी खड़ा होता है, क्या तुम मुझे पायरेट आइलैंड पर ले जाओगे? बोट वाला बोलता है, वो बहुत खतरनाक जगह है, मैं वहाँ नहीं जाता। नोबिता कहता है, प्लीज मुझे वहाँ जाना है, आप ले चलो। वो बोट वाला बोलता है, ठीक है मेरे पहले एक सवाल का जवाब दो, ऐसी कौन सी दो कीज है जो दरवाजा नहीं खोलती? नोबिता सोचने लगता है, क्या आपको पता चला? मुझे कमेंट जरूर करना। नोबिता सोचता है और बताता है, डोंकी और मॉन्की। नोबिता और डोरेमोन उसकी बोट में बैठ जाते हैं और वो पायरेट आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। क्या नोबिता और डोरेमोन प्लेटिनम और डायमंड ला पाएंगे? देखिए अगला पार्ट। नाउ मैजिक पजल टाइम। इनमें से एक मैचस्टिक को हिला के 2 स्क्वायर बनाना है। आप में से कौन बना सकता है, मुझे कमेंट जरूर करना। इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, ये नीचे वाली मैचस्टिक मूव करके और दूसरे में ये ऊपर वाली मैचस्टिक मूव करके। इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, ढूंढ के मुझे कमेंट करना मत भूलना। ये रहा, आपको मिला कि नहीं? फिर से फाइंड ऑड वन आउट, जल्दी कीजिए। ये रहा, आपको मिला कि नहीं? अगर आपको मेरी डोरेमोन वाली कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखते रहिए अगला पार्ट।